नमस्कार मित्रों, देखिए आज मुख्य रूप से जानेंगे कि जिस प्रकार से जो परमाणु किस प्रकार निर्माण होता है, परमाणु से अणु का किस प्रकार निर्माण होता है और अणु से मुख्य रूप से तत्व का किस प्रकार निर्माण होता है, तत्व से किस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है और यौगिक से किस प्रकार जो मिश्रण का निर्माण होता है। देखिएगा इस वीडियो में मुख्य रूप से जानेंगे कि जिस प्रकार सबसे छोटा सा पॉइंट है वो एक परमाणु है। देखिएगा मित्रों की जिस प्रकार से जो परमाणु होता है वो किस प्रकार साइज का होता है। देखिए परमाणु किस साइज का होता है, देखिएगा परमाणु का साइज बहुत ही छोटा होता है, यानी कि जिस प्रकार से इस जो ब्रह्मांड की जो सारी चीजें मिला दी जाती हैं और उसका एक छोटा से छोटा पॉइंट लिया जाता है जिसको विभाजित करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे परमाणु बोलते हैं। यानी कि मैं बोलूँ कि जिस प्रकार से बड़ा पार्टिकल लेने का प्रयास करूँ तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पार्टिकल है और इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं और इस प्रकार से टुकड़े करिएगा कि जिस प्रकार से इसके टुकड़े करने पर किसी एक टुकड़े को लीजिएगा, यानी कि इसका टुकड़ा ये प्राप्त हुआ और इसी प्रकार मेरे पास में बताऊं कि जिस प्रकार से इसका टुकड़ा ये प्राप्त हुआ तो इसको भी टुकड़े में बांटिएगा, इसका टुकड़ा करिएगा तो इसका एक टुकड़ा प्राप्त ये होगा, बाकी सभी को छोड़ देना। देखिएगा मित्रों की इस प्रकार से जो मेरे पास में जो 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 इस प्रकार से जो पार्टिकल टूटने के बाद में जिस प्रकार से इसका आकार जो छोटा होता जाएगा, देखिएगा इसके भी टुकड़े करिएगा, इसके टुकड़े करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो आकृति नुमा प्राप्त होगी, इस प्रकार की आकृति नुमा प्राप्त होगी। देखिएगा जो एक बड़ा सा पार्टिकल था और कुछ रूपों में तोड़ने के बाद में क्या हुआ, इस पार्टिकल का एक छोटा सा रूप बन गया जिसे क्या बोलते हैं, जिसको विभाजित करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे परमाणु बोलते हैं, जिसे परमाणु बोल सकते हैं। देखिएगा मित्रों की जिस प्रकार से जो परमाणु से किस प्रकार से हम अन्य चीजों का यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से परमाणु होता है वो परमाणु से किस प्रकार से अणु का निर्माण कर सकते हैं, देखिएगा मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से जो ब्रह्मांड की जो सारी चीज होती है उसका किसी छोटा से छोटा रूप ले लीजिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे परमाणु बोलते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे कि जिस प्रकार से जो परमाणु किस प्रकार से एक एक्सचेंज होकर अणु का निर्माण करते हैं। देखिएगा मित्रों कि जिस प्रकार से जो हमारे पास में सबसे छोटा भाग जो परमाणु है, सबसे छोटे भाग परमाणु है, जिस प्रकार से मेरे पास में एक परमाणु ये हुआ, दूसरा परमाणु ये हुआ और तीसरा परमाणु कुछ इस प्रकार से हुआ। देखिएगा मित्रों कि जिस प्रकार से अब सोचने का प्रयास करें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, देखिएगा मित्रों जिस प्रकार से मेरे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो परमाणु की साइज दे रखी है, इस परमाणु को क्या करना है, आपस में जिस प्रकार से मैं यदि इसको ऐड कर दूं, यहाँ पे ऐड कर दूं तो हमारे पास में किसी जो इस प्रकार से निर्माण होता है वो मुख्य रूप से इसका जो बड़ा पार्टिकल एक प्राप्त होगा वो मुख्य रूप से क्या होगा, देखिएगा मित्रों यहाँ पे जो इस प्रकार से एक बड़ा सा पार्टिकल प्राप्त होगा कुछ इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, कुछ इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिससे परमाणु से क्या मिलकर बनते हैं, परमाणु से हमेशा अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। देखिएगा मित्रों कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि परमाणु क्या होता है, कि जिस प्रकार किसी एक जो बड़ा पार्टिकल होता है, यानी कि ब्रह्मांड की कुछ इस प्रकार की स्थिति ले लीजिए जिसमें से क्या होता है, उस ब्रह्मांड का निर्माण किसकी सहायता से हुआ है, उसका किसी एक पार्टिकल ले लीजिए और एक पार्टिकल लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसको किसी इस प्रकार के भागों में तोड़ना है, इस प्रकार के भागों में तोड़ते जाओ और किसी उसके एक टुकड़े को लीजिए और टुकड़े के बाद में किसी एक टुकड़े को लीजिए और इस प्रकार से जो छोटा छोटा टुकड़ा प्राप्त हो जाए होता जाएगा और अंत में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसकी सहायता से क्या करेंगे, उसको अविभाजित नहीं कर सकते हैं और उस अविभाजित कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। देखिएगा मित्रों की जिस प्रकार से जो परमाणु होता है वो किस प्रकार से एक परमाणु से किस प्रकार से परमाणु किसका निर्माण करता है, दो या दो से अधिक यदि आपस में यदि परमाणु को मिला दिया जाता है तो परमाणु को मिलाने पर हमारे पास में जो एक छोटा रूप प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।